का जो नया बच्चा लोग है, ए बाबू सब जो आगे है, आज तीन लोग घर पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग 1932 का हत्यान को लेके यहाँ पे यहाँ जनसैलाब यानी कि महाजुटान हुआ है। अब जिस हिसाब से देखा जाए कि हम लोग बात करते हैं कि अभी नियोजन नीति फेल हो गया है, अभी 1932 साल फेल होने वाला है ना, इस प्रकार का लोग देख रहे हैं, तो हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि नियोजन नीति तो फेल हो गया, सरकार को आप लोग क्या बोलेंगे? अभी 1932 फेल होने का कगार पर है, आप लोग का आंदोलन कहाँ जाएगा, क्या होगा? सबसे पहले पब्लिक एक्शन न्यूज से सभी झारखंडियों को मेरा जोहार। देखिए, ये नीतियां इसलिए फेल हो रही है क्योंकि हमारे जितने भी मंत्री नेता है सब बेवकूफ है और वो दलाली कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों का और बाहरियों का, इसीलिए आज झारखंडियों के साथ इस तरह से छलावा हो रहा है। मैं बता रहा हूँ 11 मंत्रियों में से 9 मंत्री 10वीं पास है, तो कहाँ से नियोजन नीति अच्छा से बनेगा? इसीलिए अगले इलेक्शन में किसी भी पार्टी से कोई भी खड़ा हो, पढ़े लिखे लोगों को वोट दीजिए, पढ़े लिखे लोगों को सदन पे भेजिए, ताकि जितना भी नीति है वो सही प्रकार से बनाए और नीति बनने के बाद वो आगे चल के फेल ना हो। क्योंकि जो हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ आंदोलन कर रहे हैं, तो ये आंदोलन के साथ भी छलावा है। जितनी भी माताएं बहनें इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, इस आंदोलन में माताओं बहनों के साथ हमारे नेता लोग, हमारे पॉलिटिकल पार्टी लोग, आज झारखंड की पार्टी है जेएमएम, ये सारे लोग छलावा कर रहे हैं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके पब्लिक एक्शन न्यूज के माध्यम से कि आप लोग झारखंडियों को ठकना बंद करें, बाहरियों का दलाली करना बंद करें, अदरवाइज एक दिन ऐसे आएगा कि सारे युवा जाग जाएंगे, सारे महिलाएं जाग जाएंगी और तख्ता पलट करने का काम करेंगे 2024 में। और अभी जो नियोजन नीति को बना है, इसमें हम लोग को युवा को किस प्रकार सरकार को जवाब देना चाहिए? देखिए, अभी हम लोग को इसके लीगैलिटी में जाना चाहिए कि क्यों कैंसिल हुआ नहीं हुआ, उसके बाद हमें सरकार के साथ बैठ के बात करना चाहिए और आंदोलन के माध्यम से सरकार से बात करके पत्राचार करना चाहिए कि कहाँ क्या गलती हुई है, ताकि आगे आने वाले टाइम में इस तरह की नीतियाँ कैंसिल ना हो, निरस्त ना हो। नहीं, इसीलिए आपका आभारी है, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हम चाहेंगे आगे भी हम लोग बात करेंगे, ताकि अभी देख रहे हैं कि जयराम भाषण खत्म हो चुका है, अभी यहाँ पे लोगों का व्यू या ये लोगों का व्यू लेंगे। दादा, आज का जयराम को मैसेज आप लेके जा रहे हैं, इस मैसेज को आप किस तरह फॉलो करने का विचार बना रहे हैं? 1932 का खतियान का पूरा जोर ये करना होगा, हम लोग पूरा जोर देना होगा, हर जगह हर मीटिंग में अटेंड होते हैं। उसका जो आपका भाषण जो है, आपको कैसे लगता है? बढ़िया, इसका भाषण सुनने के लिए आए हैं। झारखंड इतने बात करता है ना? हाँ, झारखंड बात करता है, इसको झारखंड इतने बात करता है और यार भाषण में मिलते हैं, उम्मीद है कि आगे भी हम लोग बात करेंगे। आज का जयराम माधो का क्या मैसेज आपको मिला? इसे हम लोगों को एक्टिव होके लड़ना है, अपना हक और अधिकार के लिए लड़ना है। अभी तक तो जितने भी जयराम दा बोले हैं, इससे पहले भी सभा में बोल रहे थे, जो भी बोलते हैं उसको सीनी क्षेत्र में ये पहली बार हुआ, इससे यहाँ के लोगों को काफी जागरूकता मिलेगी, जिससे कि हम लोग अपना लड़ाई खुद से लड़ेंगे, क्योंकि आज भी मतलब हम लोग दबे भूसे पीटे हुए हैं, उसी को जागरूक होंगे ये उम्मीद है। और इस तरह से जयराम दा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और चाहेंगे कि जयराम दा जो भी मतलब एक्शन लेंगे उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे उसको। जी धन्यवाद। जी, मेरा नाम दीपक कुमार महतो है। आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से ये बात कर रहे हैं कि सभी जगह सभी जयराम महतो का बात हो रहा और युवा लोग इसका मैसेज लेके जा रहे हैं, बहुत कोई वीडियो बना रहे हैं, बहुत कोई ये कर रहे हैं। चाचा, आप जयराम महतो का क्या मैसेज लेके जा रहे हैं? आप कुछ लगा, कुछ समझ में आया? इनको बहुत कुछ समझ में आया लेकिन इनको बोलने का ये में नहीं है। बोले जयराम ने क्या मैसेज दिया आपको, कुछ ऊर्जा लगा? हाँ, जयराम तो जरूर दिया कि झारखंड राज बन करके आज लगभग 22 साल हो गया और 22 सालों में जो हमें कुछ नहीं मिला है, जैसे नियोजन नीति कमीशन और हमारा जो यहाँ पर क्षेत्रीय पढ़ाई होता है वगैरह, वो भी हमारा शिक्षक की नियुक्ति नहीं होता है, खास करके नियोजन नीति और झारखंड राज बन करके आज 22 साल हो गया, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला, इसी को लेकर आज लोगों में जागरूकता है फैलेगी और आंदोलन और भी तेज होगा।
तो आप जयराम को क्या बोलना चाहते हैं? आपका सीनी में आके आपको ये आंदोलन का ये बताया, मंत्र बताया। हाँ, सीनी में आया तो यहाँ बहुत कुछ असर पड़ा। यहाँ के लोगों को ज्यादा, यहाँ थोड़ा इंटीरियर ज्यादा है, वो नहीं जानते थे कि आंदोलन किया था और किसको लेके जयराम महतो आया था। आज उन्होंने खुल करके बताया तो लोगों में आज बहुत सा ऊर्जा आया है। बिल्कुल, आगे आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बिहारी महतो, गाँव पर टुकड़ा। आगे भी हम लोग बात करेंगे, आगे भी हम लोग बात करेंगे जिस हिसाब से कहा कि जयराम महतो ने वहाँ अपना स्टेज में छोड़ करके, यानी कि स्कॉर्पियो में खड़ा होकर के बहुत सारा अपना ये दिया, आज का मैसेज आप क्या लेके जा रहे हैं? देखिए, जो भी है, जितना भी है, जहाँ तक देखा जाए तो जयराम महतो यहाँ आए हुए हैं, हम लोग के बीच में आए हुए हैं, अपना छाप छोड़ के जा रहे हैं जो भी है। और ये अच्छा है कि हमारे संगठन में, हमारे समाज में ये अच्छा एक छाप छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि उनके खिलाफ जो भी, जितना भी आवाज उठाए हैं, जिसके खिलाफ उठाए हैं, वो सभी के कानों तक पहुंचे और सभी के लोगों तक ये पहुंचे। हम चाह रहे हैं कि जयराम महतो जिस प्रकार से मंच से आवाज दी आप लोगों को, आप लोगों ने कुछ ना कुछ मैसेज लेके जा रहे होंगे, इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों से भी हम संवाद कर लेते हैं, है ना? ये बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक है कि जयराम महतो जितना भी बात बोले हैं, ये सभी के लोगों तक पहुँचे, ये सच्चाई के खिलाफ है। ये जो भी बात कह रहे हैं अपने अपने खिलाफ, ये सही सच्चाई के खिलाफ है। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो देख रहे हैं वीडियो, ये वो चाहे कि झारखंड को ये हम आबाद बनाएं, झारखंड को सच्चाई के राह पे चलाएं। हमारे पूर्वजों जो जितने भी बलिदान दिए हैं पूर्वज लोग, ये सभी को सच्चाई पे ला रहे हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ और मैं रहने वाला सीनी का हूँ। और मैं चाहूंगा कि सीनी से जी जी, ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग कृपया, हाँ, जन जनता की आवाज, ये जो इनका चैनल है जन जनता की आवाज, मैं चाहूंगा इनको भी सपोर्ट करें और जयराम महतो को भी सपोर्ट करें। ये झारखंड के खिलाफ जो भी, बहुत अच्छी बात हुआ। और ये इन्हें दादा से बात करेंगे कि आज जो जिस प्रकार आप देख रहे हैं, अभी जन लोग क्या उमड़ पड़ा है जयराम महतो को देखने के लिए, जयराम महतो को भाषण को सुनने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत सारा मैसेज दिया, इसका फॉलो शायद हमारे जनता करेंगे। आपने इस हमारे जनता की आवाज से क्या देना चाहते हैं? देखिए, झारखंड में अभी देखिए खतियानी महाजुटान हर जगह चल रहा है। ये खतियानी महाजुटान क्यों चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। आज 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 झारखंड की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा से उभरने के लिए और झारखंड को एक मतलब डेवलप्ड स्टेट बनाने के लिए ये पहल स्टार्ट हुई है। ये अभी एक साल से चल रहा है। देखिए, यहाँ पर झारखंड में चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ने ही झारखंड के साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार किया है। यूनियन गवर्नमेंट जो है अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स जो बना रही है, जो जुलाई महीना से उसको रूल बनाने का प्रावधान किया गया है, उसमें काफी सारी विसंगतियां हैं झारखंड के विषय में। झारखंड वनों का प्रदेश है, झारखंड में वनवासी भी रहते हैं, आदिवासी मूलवासी भी रहते हैं, लेकिन झारखंड में झारखंड के लिए उनके पास कोई रिहेबिलिटेशन या रिसेटलमेंट अच्छी पॉलिसी नहीं है। स्टेट में भी जो स्टेट की में जो लैंड पूलिंग एक्ट है, वो भी झारखंड में झारखंड के विस्थापितों के लिए कोई उसमें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है। जब आप किसी का जमीन छीनिएगा तो उसको पुनर्वास कीजिएगा कि नहीं, उसके साथ उनका पुनर्स्थापन कीजिएगा कि नहीं, ये सारी मुद्दे हैं जो झारखंड में बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। साथ ही साथ यहाँ शिक्षा नीति, यहाँ पर उद्योग नीति, विस्थापन नीति में अभी आप झारखंड में विस्थापित आयोग का गठन नहीं हुआ है, जो भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सेंट्रल में जैसे लैंड मैसेज को, जयराम महतो का जो मैसेज है, ये किस प्रकार लोगों को प्रभावित कर रहा है? जी, आज के जीवा जो है बहुत ही जागरूक हो रहा है, साथ ही साथ हमारी महिलाएं भी जागरूक हो रही है। महिलाएं सिर्फ अब घर गृहस्थी तक ही सीमित नहीं रहेगी है, वो अब समाज और देश को भी संभालने का जिम्मा लेने के लिए मतलब आगे आ रही है। इसीलिए जयराम महतो का जो संदेश है उसमें महिलाओं की भागीदारी 50% करने की उनकी एक सोच है, जो की बहुत ही सकारात्मक पहल है। ये दबाइए दबाइए दबाइए। अभी अभी हम लोग इस हिसाब से जयराम महतो ने बताया कि अब निर्मल महतो का शहीद होने का नहीं, अभी सुनीता महतो का शहीद होने का दिन है। तो आप लोगों को जयराम महतो ने बताया कि अब निर्मल महतो शहीद नहीं होंगे, अब सुनीता महतो शहीद होंगे। आप लोग लड़ने के लिए तैयार है? जयराम महतो जिस प्रकार से बोले, हम लोग तैयार है। हाँ,
किस प्रकार से लड़ेंगे थोड़ा बताइए। अब जैसे चलेगा वैसे लड़ेंगे, अभी अभी लड़ने का क्या बताएंगे, पहले ही वहाँ बताना होगा कि आप लोग क्या धरना करेंगे, ये लड़ाई लड़ेंगे। जिस प्रकार ने निर्मल मातो ने अभी लड़ाई में ये, तो आप लोग अभी खास करके आप लोगों को महिलाओं को अभी ताकत देने का बात किया, आप लोग अगर खड़ा हो जाएंगे तो थाना परिवार एक कदम दूर हो जाएंगे, ये बात कहे ना जी। चलिए महिला लोग सुन ली है, इसको दिमाग में रख ली है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि ये आगे भी ये लोग करेगी। हम लोग आगे भी युवा लोग से बात करेंगे, है ना, युवा लोग से बात करेंगे। अभी हम लोग आगे भी, हम लोग यहाँ से लोग आए हुए उन लोग से बात करते हैं। हम ये पूछना ये चाह रहे हैं कि जयराम महतो जी ने यहाँ पे से जो बोला, इसको लेके आपका आपका मन में क्या विचार आया? अभी विचार तो बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ, जो जयराम महतो जिस तरह बोले उसको हम लोग स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम लोग का भविष्य में कुछ बने। अभी जो जयराम महतो का ये अभी पहली बार सुनी, आप पहली बार देख रहे हैं उनको? हाँ, पहली बार देख रहे हैं, लेकिन ऐसे तो यूट्यूब में देखते रहते हैं उसका भाषण, तो यूट्यूब में भी तो अच्छे होते हैं। परिचय दे दीजिए। हमारा नाम द्वासिस महतो, विलेज नारायणी, थाना खरसवा। चलो ओके। अभी जिस प्रकार से जयराम महतो ने यहाँ आके बहुत कुछ सजेशन दिया, बहुत कुछ बताया झारखंड हित में, आप इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, आप सभी को नमस्कार, हमारे ओर से मीडिया बंधुओं को। ये खतियानी महाजुटान जो अभी हो रहा है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है 1932 का खतियान है, ये हमारे लिए एक माइलस्टोन खड़ा करेगा, और आने वाले जो भी चुनाव होगा, इस चुनाव में इसका बहुत ज्यादा असर देखा जाएगा। और इस तरह का जो आंदोलन हो रहा है, जगह जगह घूम घूम के ये कर रहे हैं, इस तरह का आंदोलन हमारे हर प्रत्येक जगह ही होना चाहिए था, क्योंकि इससे हम अपने अधिकार के प्रति सजग हो रहे हैं। वास्तव में संविधान क्या लिखता है, हमारा अधिकार क्या बनता है, क्या हमारे पास है, उस तरह वो लोग जो है किस तरह से हम लोगों को छीन लिए हैं, और हम लोग अपने अधिकार के बारे में जानते भी नहीं है। इस तरह का अधिकार हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं, और जो भी गाँव कस्बा मोहल्ला घर जो भी है, इसके बारे में हम लोग जाके अपने मंथन करेंगे, और आने वाले जो भी चुनाव होगा इसके बारे में जो है सकारात्मक असर देखने को मिलेगा, और इस तरह का हर एक जगह ये होना चाहिए। जयराम महतो को नेता विधायक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए, अभी जिस तरह से ये हो रहा है, खतियानी महाजुटान जो हो रहा है, इस तरह से ये देखिए, हमको लगता है कि विधायक और एमएलए एमपी जो भी है, मंत्री है, उससे ज्यादा ये बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं। ये जो जगह जगह घूम रहे हैं ना, जो पब्लिक फील्ड में इसका रेपुटेशन बढ़ रहा है, कहीं नेता से, मंत्री से, एमएलए एमपी से बहुत ज्यादा हो रहा है, और आने वाले समय में इसका असर जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्होंने भाई साहब ने इस प्रकार बोला कि नेता, मंत्री, विधायक तो कुछ नहीं है इनके सामने, इन्होंने तो हर दिन ये फील्ड में निकल रहे हैं, है ना, इतना बोल रहे हैं, इतना नेता मंत्री भी तो बोलते ही है, वो लोग थोड़ी ना ये पत्थर ना ये मतलब कुदाली चलाते हैं, है कि नहीं? जी जी जी, जो इनका असर जो है देखना पड़ेगा। और उनका जो है, देखिए एक बात कहना चाहेंगे, नेता मंत्री जो भी होता है ना, ये हमारे जनप्रतिनिधि तो है ही, जनप्रतिनिधि तो है, चूंकि यहाँ का आवाज जो है हमारे विधानसभा तक पहुँचाते हैं, तो ये जो है हमारे जयराम दादा जो है यहाँ का आवाज जो है मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक अखबार के माध्यम से प्रदेश में फैला रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग भी, हमारा काम भी है जनता की आवाज, यानी कि आपका आवाज है। आपने जयराम को देख करके क्या आपका मेंटेलिटी बना, क्या आपने इस ये जयराम का बातों को एक्सेप्ट किया, क्या आपने जयराम का बातों को फॉलो कर रहे हैं, क्या जयराम का बातों को किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं, ये आपका हम वक्तव्य लेने के लिए हम आए हैं। देखिए, पहले तो मैं इनका भाषण बहुत अच्छा से सुना। हाँ। सुनने के बाद हमको लगा कि नहीं, हम अपने अधिकार के प्रति बहुत ज्यादा सजग हो गए। हाँ। पहले भी कुछ जानते थे। हाँ। लेकिन अभी इनके आने के बाद, भाषण सुनने के बाद, हमें जो है अपने गांव में, कसम मोहल्ले में, और इधर प्रचार करूंगा इसके बारे में, और जो है जो सजग नहीं है, जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, उनको मैं जागरूक करने का प्रयास करूंगा, ताकि वो लोग भी सजग हों, और हमारे अधिकार जो है, हमारा कोयला का खदान है, यूरेनियम है, लोहा, तांबा, मैंगनीज, अयस्क, जो भी जो हमारा है, जो लेकिन हमारा है लेकिन हमारा नहीं है। बिल्कुल, हमारा है लेकिन हम लोग यूज नहीं कर पा रहा है, यूज नहीं लेकर चला जा रहा, आपका कहना ये है? जी जी, उसके बारे में हम लोग लड़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे वास्तव जो हम लोग ने बात किया युवाओं से, और बहुत सारे यहाँ के लोगों से बात किए, और यहाँ का रुझान हम लोग को ये यहाँ के सीनी का जो ये हुआ था, हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को जन जन तक शेयर जरूर करेंगे, और हम लोग जनता की आवाज को जन जन तक शेयर करने के लिए हम लोग हमेशा उपलब्ध रहते हैं। कृपया इस वीडियो को जन जन तक शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब किए करे रहेंगे, ताकि बहुत सारा वीडियो आप लोगों के पास आएगा, झारखंड हित में आएगा, यहाँ का लोगों का हित में आएगा, बहुत सारी चीज को लेके आएंगे। पब्लिक एक्शन न्यूज, जनता की आवाज में, पुनः जोहार।